आकांक्षा चौहान, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अवर एजुकेशन। दोस्तों, देश के सबसे रैपिड और टफेस्ट एग्जाम में से एक है यूपीएससी सीएससी का एग्जामिनेशन, जिसे आईएएस एग्जामिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी स्टूडेंट जब यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो बेसिकली उसके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन की तैयारी हम कहाँ से करें, कैसे शुरू करें, कैसे जो भी सारी चीज़ हम कैसे करें, है ना। आईएएस की पावर्स क्या होती होंगी, कैसे आईएएस काम करता है, एग्जामिनेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या हमें इस एग्ज़ाम के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। यूपीएससी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए ये कुछ सवाल हैं जो स्टूडेंट्स के मन में जनरली आते ही हैं जब भी वो यूपीएससी या यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन में एंटर होते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो एक और इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि मोस्टली ये यू है 99.9% स्टूडेंट के दिमाग में आता ही है कि आखिर यूपीएससी को क्रैक करने के लिए कितने घंटे की पढ़ाई ज़रूरी है। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मेरी आज की वीडियो रहेगी, जहां पे मैं आपका ये डाउट क्लियर करने वाली हूं और डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ऑलरेडी कितना घंटे की पढ़ाई यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी क्रैक करने के लिए कितने भी घंटे की पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि कितने घंटे बैठ के पढ़ना है ये हर स्टूडेंट के लिए सेम नहीं होता। स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये चीज़ अलग होती है, डिफर करती है, और जनरली ये स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज़ में ही डिपेंड करती है, उनकी क्षमताओं में निर्भर होती है कि कितने घंटे वो बैठ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि सबका जो आईक्यू लेवल है वो काफ़ी अलग होता है। किसी को चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं तो किसी को चीज़ें समझने में काफ़ी टाइम भी लगता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है वो यही है कि इस प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जितने घंटे भी पढ़ते हो आपको मन लगाकर और फोकस के साथ चीज़ें पढ़नी हैं, वरना आप घंटों भी बैठ के अगर पढ़ते हो लेकिन आपका ध्यान कहीं और है तो फिर घंटों घंटों बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा हार्डवर्क की ज़रूरत इसमें होती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंसी यहाँ पर बहुत ज़रूरी फैक्टर है जो यूपीएससी एग्जामिनेशन को क्लियर करने में आपको हेल्प करता है। अगर आप एक दिन में 12 घंटे बैठ रहे हैं पढ़ रहे हैं और अगले दिन आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके अगले दिन आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं और उसके बाद 2 दिन तक आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं हैं। लेकिन अगर आप डेली 4 घंटे भी पढ़ते हैं तो वो इनफ है, बस शर्ते जब भी आप पढ़ें तो ध्यान लगा कर पढ़ें और कंसिस्टेंट रहें। जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हैं हर दिन उसी घंटे के थ्रू अपनी पढ़ाई कीजिए। एट द एंड क्वालिटी मैटर करती है, क्वान्टिटी नहीं। इसके अलावा शुरुआत में आप अगर 4 आवर पर डे भी अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन एक ट्रैक में आ जाती है, जैसे एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आता है, धीरे धीरे आपको अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि आफ्टरऑल ये आईएएस एग्जामिनेशन है और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम से यहाँ पर हार्डवर्क की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अब आवर्स इंक्रीज़ करने का ये मतलब भी नहीं है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी में सब कुछ भूल जाएँ, क्योंकि आप कोई रोबोट नहीं हैं जिसे सिर्फ पढ़ने के लिए प्रोग्राम किया गया, तो आप हर चीज़ भूल के नहीं कर सकते हो। इवन एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी आपको 24 घंटे तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको फिजिकली एक्टिविटीज़ भी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करनी है ताकि आपकी हेल्थ ठीक रहे, आपकी मेंटल कंडीशन फ्री अच्छी रहे, माइंड फ्रेश रहे और अच्छे से फोकस रह के आप पढ़ सकें। जब भी पढ़ाई करें तो बीच बीच में 10-10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें, और इस बीच आप अपनी कोई भी हॉबी को कैरी ऑन कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं या फिर पेंटिंग कर सकते हैं, जो कुछ भी आपको पसंद है आप वो इस ब्रेक में कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको एक बैलेंस बनाकर चलना है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास एक अच्छा टाइम टेबल प्रिपेयर होगा। तो सबसे पहले तो आज ही जाकर अपना पहले टाइम टेबल को प्रिपेयर कीजिए, उसके हिसाब से अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए, और साथ में जो आपका ब्रेक रहेगा उस टाइम को भी मैनेज कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एज अ रोबोट की तरह तैयारी नहीं करनी, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं इस पढ़ाई से ऊब जाओगे और आप फिर प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर भी नहीं पाओगे। तो बेसिकली ब्रेक के साथ और बैलेंस के साथ अपनी स्टडी को कीजिए। आवर्स कितने आपको बैठना है ये इतना मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करती है, क्वान्टिटी नहीं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई भी डाउट हो या किसी और टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।